और केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में है, लेकिन गृह की मर्यादा और मनीष जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की ये भावना शायद उसमें से पक्ष विपक्ष में सदन विभाजित भी है। लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक दो विषय स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई अधिकार का विषय नहीं है, एक का कभी दो था, कभी शून्य था, कभी दो था, कभी पांच हुआ, अभी दस बना है। उसके उपरांत भी कई प्रकार के एक मिनिस्टर्स की पास एक कोटा था, उसमें कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी है, फिर वो एक विचित्र स्थिति में है। हमारी एक सहमति अगर बनती है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल शिक्षा एक राज्यों की विषय है, लेकिन देश में प्रारंभ में केंद्रीय सेक्टर की कर्मचारियों की बच्चों के लिए ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, थोड़ा उनको सुविधा मिले पढ़ाई ट्रांसफर के साथ साथ, इसीलिए सेंट्रल स्कूल खुले। लेकिन धीरे धीरे के क्वालिटी के स्कूल, सेंट्रल स्कूल हम सभी के प्रयास से पिछले 50-60 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना मानक प्रतिष्ठा किया, ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आज ग्रामीण इलाका में टायर टू टायर थ्री सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आकर्षण है। मैं इस बात को भी आदर के साथ स्वीकार करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर उसकी दबाव है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है, हम चुनिंदे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी निर्वाचन क्षेत्र की बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्ग की एक प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए। सदन मेरी शायद में सहमत हो, खत्म कर दिया जाए इसको, समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे सभी दल के। एक मिनट, सभी दलों के नेताओं से जो भावना है सदन की, सभी दलों के नेताओं से बात करके माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। श्री आपने कहा कि समाप्त करो विशेषाधिकार, और विशेषाधार समाप्त करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू करी दी है, तो सदन सहमत हो जाए उस पर। सभी दल के नेताओं, एक मिनट प्लीज बैठ जाइए, इस विषय पर सभी दल के नेताओं से बात करके निर्णय लिया जाएगा। ओके, श्री गणेश सिंह जैसे खड़े होने वालों को कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी और इस पूरे धन्यवाद समय में नहीं मिलेगी। आपने नाम नोट करा दिया है, आप नोट करा दो, व्यवस्था से दे देंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना, क्योंकि बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मैहर एक बड़ी जगह है, वहां के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं कोशिश में था कि वहां एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। ये चुनौती पद्धति का उल्लेख किया गया है, और चुनौती पद्धति में कोई प्राधिकारी के सहमति पर ही खुल सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, चुनौती पद्धति क्या है, क्या वहां की आवश्यकता के अनुसार हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, चूंकि जो भी फॉर्मेलिटी सब पूरी हो चुकी है, जमीन दे दिया, सहमति दे दिया, भवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो चुनौती पद्धति में डाल दिया गया, तो कब तक उसका निर्णय होगा? भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहा, मैं भी मेरे गांव में एक सेंट्रल स्कूल खुले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं। सब एक मान्य सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे, ये है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की, यह सारा विषय होता क्या है, एमपी सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं राज्य, उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराए हैं, कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, राज्य के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आती है। मैं अभी
इसी कोशिश करेंगे हम इसी सत्र के दौरान सारे माननीय लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य को अवगत कराएंगे कि आपके इलाके में कौन सा चीज पेंडिंग है, लैंड को लेके, घर को लेके, उसको करिए। नया स्कूल के प्रपोजल आप दीजिए, हम राज्य सरकार को भेजेंगे। दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है, माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है। महोबा मित्रा थैंक यू सर। Sir, I had my honourable colleague, Ms. Manish Tiwari, put forward his point of view. I'd like to put out another point of view, which is I represent an area which is on the border and has a lot of BSF and a lot of people with transferable jobs. The central school there is only one Kendriya Vidyalaya there, and like I'm sure many of my colleagues, we face this trouble every year that there are more than 10. 10 quota is very small, I think, but to do away with the quota completely would be very difficult. I would urge that since there are some people in some areas where there are other schools and they can take advantage, in areas like ours there's only one CBSE school, people with transferable jobs need that. So perhaps the ministry for this parliament secretariat can have a separate cell where those people who need more quota, we can get that. It would be very difficult if the quota were removed, sir. Very difficult. सर आपने एक आदेश दिया ही के सुरेश जी क्या विषय यही माई कॉन्स्टिट्यूंसी सर ओपनिंग ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सदन में जितने लोग बैठे हैं ना सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे, एक इधर से हाथ खड़ा इधर का। सर ऑनरेबल स्पीकर सर केंद्रीय विद्यालय के नियम प्रक्रिया बता दिए है। सर ऑनरेबल स्पीकर सर ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी कोट्टारक्कड़ा Kollam district, Kerala. Kerala government already transferred 5 acres land to Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also temporary accommodation also handover to Kendriya Vidyalaya, and also the regional commissioner Kendriya Vidyalaya inspected along with the central PWD officials. So everything is ready, but the government of India is not sanctioned the project. That's why we are waiting for last 10 years for starting this school. So I would like to honorable minister through you, sir, whether every formal DSA has been completed in Kottarakkara Kollam district for Kendriya Vidyalaya, but government of India is not sanctioning. I would like to ask honorable minister, honorable member, shunya kal aur prashna kal mein antar samjho. ये शून्य काल नहीं चलना चाहिए, प्रश्न काल में मेरे यहाँ खोलो। प्रश्न काल और शून्य काल डिफरेंस है, मैं पूरा शून्य काल आपको अलाउ करता हूँ। क्यों बालू जी सही है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 243 नो आंसर। एक पॉलिसी मैटर बता दिया मंत्री जी ने, उस पॉलिसी के तहत चलाया। मंत्री जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, वो एक मैं फिर आप ही की अनुमति से एक विषय कहना चाहूँ। माई डियर फ्रेंड सुरेश जी, प्लीज अप्रिशिएट वन थिंग, डोंट गो बाय द हाफ बेक्ड केक और हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन। आई एम रेडी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, जो आप कहते हो कि मेरे वहां मानक के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया अकोमोडेशन दे दिया। मैं जिम्मेवारी के साथ आप सभी की कंस्टिट्यूंसी में जो जो पेंडिंग इश्यू है, विभाग की क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको लिख के दूंगा। उसमें कुछ कुछ आना मोली है। यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार खोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो मानक के आधार पर खोलने के लिए पूरा ओपन है, हर एक 2-3 साल में एक बैच निकलती है। लेकिन फिर मैं विनम्रता से कहूं, बच्चों को पढ़ाने की हमारी जो संविधानिक व्यवस्था में जिम्मेवारी है, यह ज्यादातर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए है। हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल फिर भी खुल चुका है, सबके प्रयास से खुल चुका है। यह अधिकार के विषय नहीं है, यह राज्य की जिम्मेवारी है। मैं इस सत्र के दौरान सभी को अपने अपने विधान लोकसभा के अंदर बैठिए, तो अगर गोगोई जी बैठिए, ओके, आप उसकी पेरी मत करो। नहीं, 7 बार चुन के आने से नियम बदल नहीं जाता है। नहीं बदलता अध्यक्ष महोदय, 7 बार आने से नियम बदल नहीं जा सकता है। सुरेश डोंट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सुरेश जी। देखिए ये प्लीज नो अलाउ, वो इनका रिपोर्ट ये आप ये जीरो आवर नहीं है सदस्य अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, आपको पैरोपकार बनाया कि उन्होंने, या कोई वकील नहीं बनता है सदन में, ध्यान रखना आज के बाद, या वकालत की सिस्टम नहीं है। क्यों मनीष जी बैठिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, नहीं है सर।
हीना गावे मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी उत्तर सदन के पटल पर रखोगे। श्री टी आर बालू जी सर इस सर्व शिक्षा अभियान नाउ द क्वेश्चन पर्टेन्स टू समग्र शिक्षा अभियान is they are going the government is proposing to import quality education from preschool to 12th standard for the next 5 years. I want to know whether there was any shortcomings in the Sarva Shiksha Abhiyan. For that matter, you are introducing a new system, that is one thing. And what are the targets for the state board examination and as well as the central board examination, which the government has fixed now? Are you going to introduce this education system in mother tongue itself? These are all the questions. Honorable Speaker, sir, this is the name of the scheme. This is the name of the scheme. During Atalji's period, where Honorable Baluji was a part of government, I think he is remembering all these old scheme. Sarva Shiksha Abhiyan. Since last few years, the old scheme has been with some new modification and same as Samagra Shiksha Abhiyan. Essentially, this is a 60-40 centrally sponsored scheme. State are free to run their own course, own language, and in this national education policy, much emphasis has given to mother tongue. And in this Samagra Shiksha Abhiyan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive scheme and all the states are cooperating on this issue. This is a very progressive step implemented by Modi government. Lao Sri Krishna. Thank you, sir. So Andhra Pradesh state government is spending heavily on the education to the tune of almost 12% of the budget we are spending. And we have come up with various new schemes like Amavadi, wherein we are giving parents 15,000 rupees if they send a kid to the school, and also Nadu Nedi, where we are refurbishing the schools. But sir, if you look at the data of Samagra Shiksha Abhiyan that you are talking about, in the last year, the percentage spent as proportion to the approved budget, not only Andhra Pradesh, but Maharashtra, Himachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Telangana and West Bengal, all these states have spent below 60%. Yes, it is a 60% is from the central government and 40% is from the state government. But still, these states could only drop below 60%. So what I request or what we want to ask you is there any consultation made with the state so that the scope of this scheme can be improved so that the states can draw much better and utilize these funds much better? Thank you. Speaker, sir, there's a very good question my friend has raised. Yes, there is a slow in taking the central share from the Delhi. Well, there is a basic difference, there is a basic reason. Because now we all are in the age of transparency. Minister of Finance has given a new pattern of disbursement to all the line ministry in Government of India, and all the line ministry are also persuading the respective state government come through more transparent manner. Government of India is going to release the fund when you will deposit from your state budget to the respective department your 40%. Immediately, within few seconds, Government of India is going to release that money. Due to their own financial structure, different states, lot of states are taking the progressive stance. Lot of states have their own way of functioning. Government of India is constant, especially finance ministry and all the line ministry, we all are persuading, and lot of states are also. This is a transitional phase. I hope by this end of March 31st, there will be substantial improvement in all this area. This is a new pattern Government of India is emphasizing. This money belongs to the common man of this country. It has to be spent pie by pie in a more transparent manner. This is the effort of our government, and state government is cooperating. Gradually, it will improve. State has to adhere the financial discipline jointly agreed by Government of India and respective state governments. Question number 244, Srimati Aparajita Sarangi. 244. Mani Mantri ji. उत्तर सदन पर रखा गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर,
We are well aware of the fact that the differently abled children in our schools require very special care and protection. Sir, online teaching for these children can only be a stopgap arrangement because they need personal care. Sir, if we go by the established norms, 3% of the children population, the population that goes to schools, out of these 3% of the children's population, in fact, those who are differently abled should be integrated with the school system. The norms say that 3% of these children are supposed to be differently abled and they should be integrated with the schools. But unfortunately, in India, 0.5% to 0.6% of these children have been detected and brought into the school system. So I would like to request Honorable Minister Education to let us know whether there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Government of India to move from 0.5, 0.6% to 3% of these differently abled children and integrate them with the schools. Mananiya Mantri ji. भारत सरकार के माध्यम से चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग छात्रों के लिए अभी जो समग्र शिक्षा अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा के माध्यम से कि सभी को बराबर की शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार राज्य क्षेत्र और नीतिगत पहलों, दिशा निर्देश, डेस्कटॉप, मोबाइल, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और सरकार के माध्यम से समय समय पर हम संघ राज्य क्षेत्रों को भी हम अपनी ओर से गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई वो कर सके। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह अभी इस कोविड महामारी के समय में भी जो परेशानी हुई थी, पीएमई विद्या के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जो कि लॉस न हो, लर्निंग लॉस न हो, उसके वजह से लगातार पढ़ाई ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चलाया जा रहा था। और इसी के तहत इस बार बजट में भी लगभग 200 डीटीएच चैनल की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। सप्लीमेंट्री। सर, टू एड्रेस द issue of learning disabilities of these differently abled children, we need to have a large pool of special educators all across the country. Sir, the Rehabilitation Council of India actually raises this pool, gives recognition to institutes to actually train people to become special educators. But unfortunately, I was going by the statistics, the RCI has given recognition to very few number of institutes across the country. So, sir, for in this regard, I would like to ask whether the Ministry of Education, in association with the RCI, can think of a strategy by which, you know, huge number of institutes, those who are eligible, can be given the recognition so that more number of special educators can come. Honorable Minister. Speaker, sir, this is a very genuine concern so by Honorable Member and all the section of the House. Let me put for this is a very sensitive issue. Our government, when Prime Minister Modi took charge, he redefined the entire augment, entire issue. Now, he has broadened who all are disabled, who all are Dibyang. In India, this is a very new issue. All these dysfunctions, malfunctions are there within our own family. But due to Please, let me. I am not so expert like you, Tai ji. Mantri ji, please, Mantri ji. Please. Speaker sir, this is a very sensitive issue. The thing, lot ज़्यादा, of... मित्र लोग ज्यादा हैं आपके, इसलिए आप... Sir, I am not expert like Tai. इधर ही ले आ. She is a knowledgeable lady, and she is a very expert person. I am not so. So, with my little understanding, I would like to explain. If I can, I cannot convince them, I will come to them. I will invite them, all of them, to my office and will interact. This is a very genuine issue raised by honorable member. Sir, there is a lack of awareness within society who all are they in
disabled person in our family. Sir, when I took charge of this sector, in the initial days, within first week of my taking charge in the parliament, I face a question, dyslexia. Sir, I can candidly admit, I never heard this kind of terminology in my career. So when I asked my colleague, what is the Hindi? Iske Hindi kya hota hai? Sir, Hindi karne ke liye, sir, hamari paas koi vocabulary mein sabd nahi tha. Hamari gharon mein is prakar ki bachche bhi hain. Bharat mein abhi jo, there is a new national education policy. Lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन दिशा टीवी वगैरह लगा है, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिजेबल स्टूडेंट्स, दैट इज अ न्यू चैलेंज. वी ऑल आर कंसर्न, एक्सपर्ट्स आर वर्किंग ऑन दैट. आई वुड लाइक टू सीक एडवाइस ऑफ दिस हाउस, हाउ टू क्रिएट मोर ट्रेनर, मोर स्कूल, हु ऑल आर डिसफंक्शनल, लेट अस नो देम. कलेक्टिवली वी हैव टू फेस दिस चैलेंज, वी हैव टू एजुकेट ऑल दिस सेगमेंट. According to me, the population of this category of different kind of disability is around 10%. How to handle them? This is a challenge. We all have to work together. It is Muhammad Bashir ji. Education of differently abled students is really deplorable, sir. The first thing I would like to say is development of sign language. That is very much needed. Facility is very less. That is number one. Number two, application of educational technology for the equipment of differently abled students. Sir, worldwide, a lot of technology updation is coming up for the development of the education of the differently abled students. My humble question to the Honorable Minister is, number one, whether you should take effective steps for developing the sign language of the country, and the second one, application of the education technology for this particular section, would you take interest in that also? That's my question. Speaker, sir, both the advice are very pertinent. I am assuring honorable member in the both the sector regarding sign language and implementing technology for education of the physically disabled students. Both we all are working on that. This is a good advice. We will take care of that. श्री एस एस आलूवालिया जी. अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल का दौरा करें या गांव में जाएं, तो हर एक दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं. और सरकार की जो नीति है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, इसके तहत बजट में प्रावधान भी रहता है, पर स्कूलों में जाकर पता लगता है कि कितने परसेंट बच्चे वहां पर हैं. जो हमारी पहली प्रश्नकर्ता ने सवाल किया, स्कूल में जाकर पता लगता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता नहीं. कारण क्या है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है. मां बाप के पास उतना समय नहीं होता कि जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सके. क्या सरकार इस पर गौर फरमाएगी कि ऐसे बच्चों की जांच और सर्टिफिकेट इश्यू करने की प्रावधान स्कूल में ही कैंप लगा के किया जाएगा? तब मैं समझता हूं सारे बच्चों को ये सुविधा मिल सकेगी. और मेरा दूसरा पार्ट है अपने सवाल का कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये इस तरह के बच्चों को ऑनलाइन में काम करने के लिए उनकी उंगलियां या उनकी स्पीच से भी नहीं पता लगता, तो क्या उनकी स्पीच का एक रिकॉर्ड तैयारी करके, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिसिप्लिन स्लेव सर, वो आपकी भाषा को समझता है. एक बार आप बोले, दो बार बोले, तोतला भी बोले और गूंगा भी इशारा करे, उसको समझता है. तो क्या उनके लिए कुछ प्रोग्राम कराएंगे और इन तरह के बच्चे के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके? स्पीकर साहब, जैसे मैंने बड़े विनम्रता से इसको स्वीकार किया कि ये दुनिया अभी 21वीं सदी में भी भारत के लिए बहुत इनएडिक्वेट है, क्या हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस. पिछले 7 सालों में हमारी सरकार इस पे बहुत काम किया है.
मैं सारे सजेशंस को, ये भी अच्छा सजेशन है जैसे पूर्व सदस्य ने पूछा, ये सारा विषय पे मेरे जानकारी के हिसाब से विभाग ने और विभाग से बाहर इस प्रकार की बहुत सारे चिकित्सा की दुनिया के लोग, मनोविज्ञान की शास्त्र की दुनिया के लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। सारे विषय को एक वाइडर कंसल्टेंसी में हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की काम राष्ट्रीय स्तर पे राज्य स्तरों पे हो रहा है, इसी आयाम में भी हम कई सारे विमर्श कर रहे हैं। ये सारे विमर्श उसी दिशा में है, सबको हम समाहित करके निश्चित रूप में अपने आने वाले पाठ्यक्रम, आने वाले पेडागोजी, आने वाले मेथोडोलॉजी में लाया जाएगा। ऐसे मंत्री जी, राज्य सरकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप सलाह दे सकते हो कि स्कूल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा, सलाह दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी appreciate honorable member of parliament Aprita ji for raising a very sensitive question and also appreciate honorable minister for his frankness and his dedication to this subject. Sir, we often talk about people living and with disabilities and children living with disabilities, but do we give them space in policy making? Do we give them space in our policy planning institutions? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that as your minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. Agar har manch mein people living with disabilities or experts ko sthan diya jayega, to us manch mein wo apni baat rakh payenge aur hum bhi aane wale samay mein upyukt kadam utha payenge. To yehi meri darkhast sarkar se rahegi. Dhanyawad. अध्यक्ष महोदय, एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में है जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में, गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो एसएफसी स्टेट एससीएफ बना है, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे, स्टेट में नहीं जिला तक भी लेके जा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 245 से नव कुमार सन्निया।